गाइस वेलकम बैक टू सुनीता फूड स्पेस ब्लॉग में। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया नाश्ता है और घर के कुछ ही सामान से, कुछ ही क्या गाइस, सिर्फ एक आलू और एक दो तीन ब्रेड से आप पूरे घर के लिए ये बहुत हेल्दी और बहुत ही नया नाश्ता बना के घर पूरे परिवार को खिला सकते हो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया उसे भी खिला सकते हो एकदम बिना पैसा खर्च किए। बस दो तीन ब्रेड आपको चाहिए और सिर्फ एक उबले हुए आलू चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को, चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे मैंने देखो एक उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से छील लिया है। अब इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से किसी भी बाउल में। ग्रेट करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम एक क्यूब हम चीज़ का लेंगे। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आलू से बना सकते हो। तो छोटा सा एक क्यूब लेके उसको भी हम कद्दूकस कर लिए। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, दो कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम डालेंगे बस, और कुछ भी नहीं डालना है। और इसको बहुत अच्छे से मिला लेना। मिलाने के बाद देखो मैंने ब्रेड का स्लाइसेस ले लिए हैं और बीच में से आप देख लेना ब्रेड की साइज का, बीच में कट कर कोई भी गिलास या कोई कटोरी या कोई ढक कर लेके इस तरीके से आप कट कर लेना, बीच में से इस तरीके स्लाइसेस निकाल लेना। तो इसी तरीके से हमें जितना बनाना है स्नैक्स, जितने लोगों के लिए आपको बनाना है उतना आपको निकाल लेना। और ये जो बचा ब्रेड है इसका बहुत ही यूनिक सा रेसिपी लेके आएंगे बहुत जल्दी चैनल पे। तो और फिर क्या करेंगे, इस तरीके से आलू जो हमने बना के रखे थे उसको ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे, फिर दूसरे ब्रेड को इस तरीके से ऊपर से रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा सा बटर, या अगर पर बटर ना हो तो थोड़ा सा घी लेके इस तरीके से ऊपर से लगा देना है सभी ब्रेड में। और थोड़ा सा बटर हम तवे पे लगा देंगे और फिर एक एक करके सारे ब्रेड को हम इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब जब हल्का सा ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है, जब लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर दूसरे साइड भी इस तरीके से पका लेना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट में पक के रेडी हो जाता है। तो देख सकते हो दोनों साइड बहुत अच्छे से हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। चलो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे गाइस, 20 में से कट कर लेना है। आप ध्यान से करें, सावधानी से, नहीं तो आपका आलू निकल सकता है। तो इस तरीके से कट करके देखो कितना अच्छा सिंपल सा नाश्ता बन के रेडी हो गया। अब इसको चलो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से में जो राउंड वाला शेप होता है ऊपर से इस तरीके से थोड़े से टोमेटो सॉस लगा लीजिए और फिर ऊपर से इस तरीके से नमकीन इस तरीके से लगा लीजिए। यकीन करो गाइस ये इतना टेस्टी बनता है, आपके बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत यूनिक सा नाश्ता भी है। कम समय में बन भी जाता है, खर्चा बहुत कम है। तो आप अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर छोटा सा ब्लॉग के साथ एक यूनिक सा रेसिपी लेके। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।